दोस्तों फोटो एडिटिंग तो हर कोई करता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि फ़ोटो को HD में कैसे सेव करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि फ़ोटो को HD में कैसे सेव करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि आप पिक्सार्ट, स्नैपसीड एंड लाइटरूम के अंदर कैसे फ़ोटो को HD में सेव कर सकते। और इसके लिए मैंने पिछले दिन एक मतलब पोल भी डाला था कि फ़ोटो को HD में कैसे सेव करते हैं, इसका वीडियो किन किन लोगों को चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वोट मिला था मुझे ES ऑप्शन के अंदर। बहुत सारे लोगों को पता है कि फ़ोटो को HD में कैसे सेव करते हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि फ़ोटो को HD में कैसे सेव करते हैं, वो इस वीडियो को डेफिनेटली ध्यान से पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अभी और बाद में भी बहुत काम का होने वाला है। तो गाइज, मेरा नाम है अनंत और आप है AC एडिटिंग जोन चैनल के अंदर। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज ऐसे कॉन्टेंट वाले वीडियोज रोज नहीं मिलते। तो गाइज चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पिक्सार्ट ऐप के अंदर आप कैसे इसको कर सकते हो, मतलब फोटो को HD एंड मैक्स रेजोल्यूशन कर सकते हो। तो इसके लिए मैं पिक्सार्ट ऐप को सबसे पहले ओपन कर लूँगा। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे इस आइकन के अंदर आना होगा। उसके बाद ऊपर आपको आना होगा सेटिंग के आइकन के अंदर। देन आपको यहाँ पे नज़र आएगा सेकेंड ऑप्शन जो है मैक्स इमेज साइज, तो आपको इस ऑप्शन के अंदर आना होगा। एंड आपका जो डिफॉल्ट सेटिंग होगा वो 5 MBPS के ऊपर ही रहेगा, तो आप इसको हमेशा करना 8 MBPS। ओके, 8 MBPS करके ओके कर लेना। एंड गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करोगे या फिर आप क्लियर कैश करोगे फोन को, तो तब आपका ये जो सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पिक्सार्ट के अंदर एडिटिंग करने जाओगे, उससे पहले आप इस सेटिंग को आके इसको 8 MBPS कर लेना। ओके, तो इससे आप जब फोटो को सेव करोगे, इससे आपको मतलब बहुत अच्छा HD क्वालिटी में फ़ोटो को सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन नहीं मिलेगा मतलब फ़ोटो आपको HD में सेव होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको स्नैपसीड के अंदर कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेता हूँ। स्नैपसीड ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3-डॉट आइकन के अंदर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आप चले आइए सेटिंग के ऑप्शन के अंदर। देन आप यहाँ पे आपको नज़र आएगा इमेज साइजिंग, तो इमेज साइजिंग आपको करना है डू नॉट रिसाइज, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप 4000 पिक्सल जो है वो भी आप मत करना, क्योंकि अगर आप DSLR का फोटो स्नैपसीड के अंदर एडिट करोगे तो ऑब्वियसली उसका जो साइज होगा वो 4000 पिक्सल्स के अंदर ही होगा। तो आपको ये कोई भी करने की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पे 4000 पिक्सल्स को चूज़ कर ले। इससे अगर आप ये चूज़ कर लेंगे तो आपका जो स्मॉल क्वालिटी का फोटो होगा वो 4000 पिक्सल्स में होगा, लेकिन वो फट जाएगा वो क्वालिटी। इसलिए आप इसको करना डू नॉट रिसाइज। अब आप इसको करना है यहाँ पे फॉर्मेट एंड क्वालिटी के ऊपर आप एक बार क्लिक कर लेना, तो आपका जो डिफॉल्ट सेटिंग होगा वो JPG 95% के ऊपर रहेगा। तो आप इसको कर सकते JPG 100%। इससे इस JPG 100% करोगे तो आपका फ़ोटो मैक्स 5 MBPS के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करोगे PNG, तो PNG करने से आपका जो इमेज साइज होगा वो तकरीबन 7 से 10 MBPS के ऊपर चला जाएगा। ओके, या फिर तकरीबन अगर आपका जो मैक्स HD क्वालिटी में अगर आपका DSLR का फ़ोटो होगा तो वो 15 MBPS के भी ऊपर जाएगा। मतलब ऐसा भी जा सकता है, मेरा फ़ोटो कभी कभी 15 MBPS के ऊपर भी गया है। कुछ फ़ोटो को मैंने सेव किया था स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो स्नैपसीड ऐप के अंदर आप ऐसे फ़ोटो को HD में सेव कर सकते हो। ओके, नाउ गाइस आप जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है Lightroom एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि Lightroom को ओपन करने के बाद, आप बहुत से लोगों को ये दिक्कत आता है कि Lightroom को ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसलिए मैंने Lightroom ऐप को पहले क्लियर ऑल डाटा कर लिया है, ताकि आपको इसको भी आपका जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे पाऊँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे Lightroom एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेता हूँ, Lightroom ऐप को ओपन कर लेता हूँ। एंड सॉरी गाइज, थोड़ा बहुत मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो Lightroom को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक ऐसा इंटरफेस। तो यही पे ही सबको मतलब दिक्कत हो जाता है कि कैसे Lightroom ऐप को ओपन करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ऐसे स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको साइन इन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऊपर आपको नज़र आएगा इस क्रॉस का आइकन, तो यहाँ पे आप इस क्रॉस के आइकन के अंदर क्लिक कर लेना, तो आपका ये स्क्रिप्ट हो जाएगा।
एंड गाइस यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि हर एक मोबाइल के अंदर एक क्रॉस का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो जिन जिन मोबाइल के अंदर एक क्रॉस का ऑप्शन नहीं मिलता है उन सब लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप एडोब के अंदर एक मतलब एक रजिस्टर कर लेना अपना एक आईडी, तो तब आप इसको साइन इन कर सकते हो। तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। ओके, अब गाइस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आप लाइटरूम के अंदर फोटो को एचडी में सेव कर सकते हो। तो इसको मैंने पहले से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑल फोटो के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पे कोई भी एक फोटो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो इम्पोर्ट कर लिया है, देन यहाँ पे इस फोटो के अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी एडजस्टमेंट आप यहाँ पे इस फोटो के अंदर कर सकते हो। देन यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए ये थ्री डॉट आइकन के अंदर चूज़ करने के बाद यहाँ पे सेव टू डिवाइस एंड यहाँ पे आपका जो पहले से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लिमिट टू 2048। इसको आपको चूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है पहले वाला जो ऑप्शन है हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी, इसको आपको चूज़ करके ओके कर लेना है, देन आपका फोटो जो होगा वो सेव हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको मालूम हो गया होगा कि कैसे आप फोटो को पिक्सार्ट स्नैपसीड एंड लाइट रूम के अंदर सेव कर सकते हो, वो भी एचडी में। तो आप भी इन सब सेटिंग्स को और एंड इन सब जो भी मैंने टिप्स यहाँ पे आपको बताए हैं इन सब टिप्स को आप ध्यान में रखना एंड जब भी आप फोटो एडिटिंग करने जाओगे तब आप फोटो को एचडी में आप ऐसे सेव कर सकते हो। तो गाइज आपको अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका जो कॉमेंट होगा वो रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूँगा। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।